वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है, आप सभी को पता होगा। आज बीएससी थर्ड ईयर का पेपर हुआ था, और इस पेपर को सत्यम यादव जी ने हमें भेजा है, ठीक है, तो थैंक यू सत्यम यादव जी आपने पेपर भेजने के लिए। और आप जितने भी दोस्त हैं, आप सभी लोग, आप भी पेपर को सेंड करेंगे, सभी लोग जिसके पेपर होता है, चाहे आप किसी यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, यदि आपका पेपर होता है, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, आप तुरंत हमारे व्हाट्सअप नंबर, आपको पता होगा 70, ठीक है, 37 37 32 78 और 38, आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत मुझे फोटो खींचेंगे, ठीक है, आपके जो भी पेपर होगा उस पेपर का फोटो या फिर पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करेंगे। जैसे कि ये सत्यम यादव जी ने मुझे भेजा है, ठीक है, और ये जौनपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, तो आप भी पेपर जैसा ही हो जाता है तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं उसको प्रूफ करके दिखा सकूं कि जो मैं क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट देता हूं वो क्या पेपर में सच में आते हैं या नहीं। तो मैं आपको यहां प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है, पेपर सिर्फ इसलिए मैं आपको बनाता हूं ताकि प्रूफ कर सकूं। और आप ये 2022 का पेपर आप देख रहे हैं, आज ही हुआ है, आज ही पेपर हुआ है, इसको देख लीजिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वही पेपर में आया है, कुछ बाहर नहीं गया है, देख लेना। 75 नंबर का पेपर था, मैं परसेंटेज बता दूंगा कि परसेंटेज फ्रैक्शन में आपका कितना परसेंटेज फंसा है। 3 घंटे में इस पेपर को सोल्यूशन करना, बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, आप देख रहे हैं, बॉटनी का फर्स्ट पेपर, जौनपुर यूनिवर्सिटी, देख रहे ना, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब यहां देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहां पूछे गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन, यहां देखो 10 क्वेश्चन यहां बोला है कि 10 क्वेश्चन आपको करना है, मतलब कि 10 क्वेश्चन दिए गए, पूछ रहा है वेरी शॉर्ट में, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब कि 15 नंबर के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहां मैं आपको बात करूंगा, देखो यहां पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले का पहला क्वेश्चन यहां दे रखा है, अनुवंशिकता विविधता किसे कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है वो, उसके बारे में। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, 1.5 नंबर का पूरा क्लियर होता है, आपको विश्वास नहीं होना, मैंने जो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं वही पेपर में आता है, इस बात को याद रख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वीडियो का, आप वीडियो को देख लेना जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस वीडियो को मैंने पहले से अपलोड कर रखा है कि भाई इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना। 18 से 19 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 18 से 20 क्वेश्चन लगभग होंगे जो मैंने आपको 1 महीने से 1.5 महीने पहले आपको बता रखे हैं कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, बाकी कुछ देख के नहीं जाना है, ठीक है, और इन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो 100% आपका क्लियर सिलेक्शन होगा, कोई देर रोका नहीं आपको, ठीक है, तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि 85% प्लस आप मुझसे ले लेना, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वही आपके पेपर में आएंगे। 1.5 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन फंस चुका है। उसके बाद में देखो यहां बात की जाए जो बीटी कॉटन होता है, कपास के बारे में एक नोट्स लिखने के बोला था कि कपास होता है उसके बारे में लिख लेना, कॉटन के बारे में, लेकिन बीटी कॉटन के बारे में नहीं बोला, लेकिन आप कॉटन यदि बात करेंगे, कपास के बारे में पढ़ेंगे तो कपास के बारे में बना बना के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, कपास क्या है, ठीक है, उसके बारे में सिंपल क्वेश्चन था। यहां बात करें बीएसआई के बारे में, इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट दिया वही बात करेंगे, जो नहीं दिया उसको नहीं बात करेंगे, ठीक है। और बनीकरण क्या होता है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं दिया। न्यूमेटर फॉर क्या होता है, इसको मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दो उसको। उसके बाद में क्या है, लिंट को भी मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट को भी इंपोर्टेंट नहीं दिया। ये 1.5 नंबर के, 1.5 नंबर की बात मत करो यार, हमें करना है कुछ नया, समझ रहे हैं ना, कुछ बड़ा करना है। यहां देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया, 1.5 नंबर का पूरा फंस चुका है। सीड बैंक क्या होता है, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हॉट स्पॉट पूरा क्वेश्चन फंस चुका है, हॉट स्पॉट वाला पूरा क्वेश्चन, तत्स्थल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और बात करें लिग्नियंस मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया। अब नोट कर लेते हैं कितने क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में फंसे हैं, ध्यान रख लेना, देखो 1 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन, और यहां देखिए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फंसे हैं, 4 क्वेश्चन यदि 1.5 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर वो हो गए और 2 6 नंबर के फंसा है, मतलब कि जो शॉर्ट बात की जाए, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके केवल 6 नंबर मिला है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन फंसे हैं, कोई बात नहीं है, वेट करो, आगे देखो थोड़ा सा। अब हम आते हैं बड़े बड़े नंबर, देखो हमारा टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा करना है, तो हमें देखो सेक्शन नंबर बी में पहुंचाओ, सेक्शन बी में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप पूछा गया, लघु उत्तरी प्रश्न, आज का पेपर है, लीक हुआ है समझ लो पेपर पूरा। अब यहां देखो यहां बोला गया है कि 200 वर्ड में आंसर देना है, 200 वर्ड का मतलब जानते हो, मतलब कि आपको एक पूरा पेज है, 2 पेज भर देना, मतलब कि इस साइड से पूरा लिखते हुए भरेंगे, इसको लौटेंगे, इस साइड पूरा भरेंगे, फिर इस साइड को भर देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से भर दोगे, ठीक है, 1.5 पेज या फिर
दो पेज आप भर देने। उसके बाद में यहां देखो बोला है सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, 200 वर्ड में आपको आंसर देना पड़ेगा। यहां कह रहा है 5 प्रश्न के आंसर दीजिए 8 नंबर के हिसाब से, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने 40 नंबर के हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन ही फंस चुका है भाई, लंबा करना है हमें कुछ नया। यहां कह रहा है देखो सतत विकास की अवधारणा का वर्णन करो, सतत विकास, पूरा क्वेश्चन फंस चुका है, पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 8 नंबर यहां हमारे क्लियर हो चुके हैं, 8 नंबर हमारे क्लियर हो चुके हैं सतत विकास। यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहते हो ना ऊपर वाला, तो ये कर लो यार, फसलों का घरेलूकरण जिसे बोलते हैं ग्राम्य पर टिप्पणी। ग्राम्य का मतलब क्या होता है, क्रॉप जो प्लांट होते हैं, डिप्लोमेशन मतलब क्या होता है कि हम अपना घर में किसी पौधे को, कोई फसल है उसको नई जाति कैसे बना सकते हैं, उसकी अच्छी जाति कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा घर का, ये मैंने आपको बताया घर मतलब फसलों का घरेलूकरण किस तरीके से करते हैं, मैंने इस तरीके से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, और डिप्लोमेशन ऑफ क्रॉप प्लांट मैंने पूरा दिया था। ये क्वेश्चन पूरा 8 नंबर का, आप ऊपर वाला चाहे या अथवा वाला का चाहे जो चाहे कर सकते हो, 8 नंबर का फंस गया भाई। अब देखो एंट्री कर देना ना, उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन पहुंच जाओ। ये क्वेश्चन वनस्पति, देखो बॉटनिकल गार्डन आ गया, पूरा क्वेश्चन फंसा है 8 नंबर, क्लियर हो गया भाई, देखते रहना जोड़ते रहना। सामाजिक वन की मैंने इंपोर्टेंट दिया, छोड़ दो यार, जो नहीं दिया उसको छोड़ो, वो करो जो आया है पेपर में। रेशम देखो, रेशम उत्पन्न करने वाले दो पौधों के नाम, कपास के बारे में बताया था, कॉटन वगैरह जो बनती है, वही पूरा क्वेश्चन आ गया, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हो 8 नंबर पूरा क्लियर हो गया। अल्कोहल युक्त पीय पदार्थ बताए थे, अल्कोहल और नॉन अल्कोहल दोनों पदार्थों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा 8 नंबर का। आप जो चाहो ये कर दो, ये चाहो ये कर दो, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, आपका दिल करें वो क्वेश्चन करो, समझ रहे हो ना। पूरा क्वेश्चन भाई छापे हैं जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए, आपको विश्वास होना चाहिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों को बताएंगे। यहां देखो बोला गया सर्पगंधा और अफीम, अफीम के बारे में मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, लेकिन सर्पगंधा के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन हां सर्पगंधा तब आप पढ़ेंगे जब मैंने कहा औषधि, औषधि वाले पौधों को वर्णन करो, औषधि वाले पौधे जो होते हैं वहां सर्पगंधा आता है, सर्पगंधा कहां था, औषधि वाले पौधों के अंतर्गत आता है। अफीम देखो, अफीम के बारे में तो लिख के दिया था कि अफीम को पक्का रट लेना, 8 नंबर का था, 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, 4 नंबर तो आपके क्लियर हो जाते हैं, आधा आधा क्वेश्चन ही पता है, एक ही तो फंसा है, मान लो क्लियर हो गया, चलो 4 नंबर मान लो। यार यार ये मत करो, मसाले वाले कर दो, पूरा फंसेगा, ये पूरा फंसेगा 8 नंबर का, समझ रहे हो। 4 नंबर क्यों करोगे, मसाले वाले उत्पन्न करने वाले पौधों के नाम तो बता ही सकते हो, कौन कौन से होते हैं मसाले वाले, भाई लगा दो, पूरा क्वेश्चन दिया था मैंने। देखो अब देखो यहां करो, मैग्रोव जो वेजिटेशन होता है इसके बारे में देखो, पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का ये फंसा है, और परागण विज्ञान क्या होती है जिसे पेनोलॉजी बोलते हैं, ये 4 नंबर का फंसा है। आप वीडियो को देख लेना यार, वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्यादा दूर नहीं देखना ना, वीडियो को सर्च करना है कहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करो, वीडियो वहां लिखा होगा, वीडियो लिंक टच कर देना, उस पर वीडियो देख लेना, जो जो क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट दिए वही पेपर में आए, पूरा छपा है देख लो, पूरा 8 नंबर का यहाँ क्लियर हो जाता है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ो यार, जो नहीं दिया था उसको छोड़ो, पूरा फंसा है। चलो अब यहाँ सेक्शन नंबर सी में पहुंच जाते हैं, पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चनों के नंबर तो जोड़ लें। 5 क्वेश्चन हमसे बोले थे, 5ों के 5 फंसे हैं, देखो एक क्वेश्चन यहां फंसा है, देखो एक क्वेश्चन ये फंसा है, एक क्वेश्चन ये फंसा है, देखो ये वाला मसाले वाला पौधा 2 हो गया, एक ये फंस गया, देखो इनमें से कोई भी एक कर दो 3 हो गया, ये कर दो कोई 4 हो गया, और एक देखो ऊपर वाला कर दो सतत विकास वाला, या फिर फसलों के घरेलूकरण में, पूरा 5 बच गया, 5 × 8 कितने हो गए 40 नंबर, 40 और 6 कितने हो गए 46 नंबर, अब तक 46 नंबर आ चुके हैं, याद रखना अभी तो पहुंचना है नीचे जहां झंडा गाड़ेंगे हम लोग, कसमें वेरी शॉर्ट वाल लॉन्ग क्वेश्चन हुए, लॉन्ग क्वेश्चन देखो बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या आए हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर सी में हमसे पूछा गया है 2 क्वेश्चन करना है, ज्यादा नहीं करना, 500 वर्ड में करना है, आंसर जो भी देना होगा 500 शब्दों में देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जो पेज होते हैं लगभग एक, देखो एक पेज इधर से होता है एक उधर पर, पूरा पेज हो गया एक, इधर उधर से आपको कितना भरना है 3 पेज भरना है, 3 पेज प्लस भरना है, तो आपको 500 वर्ड में आराम से आ जाएगा, इधर उधर से 3 पेज भर देना 500 वर्ड में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है 6 पेज भर देना है 2 क्वेश्चनों के लिए। अब यहां देखो ध्यान से, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप करोगे कितने नंबर के आएंगे 100, मतलब देखो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करना है 20 नंबर के हो गए, ठीक है 20 नंबर के। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, फसलीय पौधों का उत्पत्ति एक लेख लिखिए, मतलब जो हमारे फसल पौधे हैं उसको हम किस तरीके से उत्पत्ति की जाती है, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उसकी कृषि कैसे, फसली पौधे कौन कौन से हो गए, जैसे कि चावल हो गया, चावल है हमारे, गेहूं हो गया, कैसे हो गया बेटा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, मैंने गन्ना इनके बारे में आपको बताया था, देखो गेहूं चावल गन्ना इन 3 को पढ़ लेना, आप यहां गन्ना को मेंशन कर दो कि गन्ना की खेती कैसे की जाती है, खत्म
पूरा क्वेश्चन रटा, बना बना के लिखना था, यहाँ कुछ नहीं था। या देखो नीचे वाला क्वेश्चन आ गया, गेहूं की खेती कैसे की जाती है उपयोग पर, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है। देखो 10 नंबर का ये फंस गया, 10 नंबर का ये फंस गया, गेहूं की उत्पत्ति कर दो। मैंने तीन बताए थे, गेहूं चावल और गन्ना की, यहाँ गन्ना कर दो या फिर चावल कर दो, या फिर यहाँ भी गेहूं कर दो, यहाँ भी गेहूं कर दो, बात वही है। आपसे पूछा है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। एक का उल्लेख करना है, एक का उल्लेख कर दो, चावल का कर दो, गेहूं का कर दो, गन्ना का कर दो, जो दिल करे वो कर दो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन फंस गया। अब यहां देखो, तीन प्रमुख तेल उत्पन्न करने वाले पौधे, तीन तेल उत्पन्न करने वाले पौधे, पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया वही पेपर में आया, पूरा पेपर छपा है। देखो उसके बाद में देखो, जैव विविधता की परिभाषा, पूरा क्वेश्चन, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, पूरा क्वेश्चन आया छठी हाउस के बारे में। देख लो ये क्वेश्चन 10 नंबर का। ये देखो जैविक जैव संख्यांकी की व्याख्या, पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, जो कहा वही आया पेपर में, पूरा छप के आया, समझ रहे हो ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, वीडियो आप देख लेना, भरोसा आपको हो जाएगा। पेपर हैकर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।